कैथल में आए दिन बढ़ रहा है चोरियों का ग्राफ। जी हाँ, कैथल में रात फिर एक ऑफिस को चोरों ने निशाना बनाया है। जी हाँ, कैथल में एक भाजपा नेता के ऑफिस को चोरों ने निशाना बनाया है और जमकर हाथ साफ किया है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, आप देख पा रहे होंगे पुलिस आ चुकी है और छानबीन की जा रही है, तमाम एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। और हम बातचीत करेंगे, अंदर जाकर दिखाएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह क्या कुछ चोरी हुआ है। लेकिन आपको बता दें, मौकाए वारदात पर पुलिस पहुँच चुकी है और छानबीन कर रही है, तमाम पहलुओं से जांच परख करके जो है पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। लेकिन आपको बता दें, पिछले काफ़ी समय से कैथल में चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार कई वारदात इस तरह की हो चुकी हैं। आज सुबह जब हम अपने कार्यालय पर आए तो हमारे कार्यालय का लोग जैसे पहले लगा होता था ऐसे ही लगा हुआ था। जब मेरे पिताजी कार्यालय में गए तो पूजा करने के लिए उन्होंने देखा कि वहाँ से शिव भगवान गायब थे। जब हमारे ड्राइवर ने बताया कि शिव भगवान नहीं, एसीबी गायब है और चोरी हुई है रात को, जब सारी चीज़ें चेक करी तो देखा कि चोर जो है हमारा कुछ चार पीस एंटिक मूर्तियां और एसी टुल्लू पंप और मेन जो हमारा रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड चोरी करके ले गए हैं। किस चीज़ का रिकॉर्ड था? हमारा कुछ पॉलिटिकल रिकॉर्ड था, कुछ व्यापारिक रिकॉर्ड था, कुछ ऑफिस से संबंधित बहुत सारे कागजात होते हैं जो सारे गायब हैं। तो कितने का नुकसान आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुआ है? एंटिक मूर्तियाँ थी, पुरानी मूर्तियाँ थी, मान के चलो कि 15-1 लाख रुपए के तो अंदाजा। तो चोरी सर, जब आप आए तो कैसे आपको पता लगे चोरी हुई है? क्या कोई गेट का ताला टूटा हुआ था, कोई शटर टूटा हुआ था? नहीं, कोई भी शटर नहीं तोड़ रखा, कोई भी ताला टूटा हुआ हमें नहीं मिला। ताला एजीटी जो लगा हुआ था, जब हमने ताला खोल के ऑफिस के अंदर एंटर करा तो ऑफिस के अंदर जाने के बाद पता लगा कि चोरी हुई। हर रोज ऑफिस आते थे? आज आए थे? नहीं, हर रोज ऑफिस आते हैं, सुबह ऑफिस आते हैं और शाम को ही जाते हैं। किसी पे शक वगैरह है? क्योंकि ताला जब लगा है तो कोई चाबी ताले की किसी के पास हो सकती है, किसी पे शक? नहीं, ताले की चाबियां किसी के पास नहीं होती। ताले की चाबियां सिर्फ दो ही चाबी हैं ताले की, एक मेरी गाड़ी में रहती है और एक बड़े बाबूजी की गाड़ी में रहती है, हम ही खोलते हैं। तो पुलिस वगैरह को शिकायत दी गई है? पुलिस पहुंची? पुलिस को शिकायत दी गई है, पुलिस आई हुई है, मुआयना कर रही है, नतीजा क्या निकलता है ये आने वाला समय बताएगा। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, अब आपके दफ्तर में भी चोरी की वारदात हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस प्रशासन नकेल करता हुआ नजर आ रहा है? प्रशासन देखे, प्रशासन का काम है, हमने तो आज जो है अपनी चोरी की शिकायत दे दी है और प्रशासन मुझे लगता है कि जल्द कोई कार्रवाई करेगा। एएसआई अनिल कुमार। क्या मामला है चोरी की? मामला सामने है क्या? ये अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि धर्मपाल शर्मा जी है, उनके बीजेपी कार्यालय में रात को चोरी हो गई है। कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है काफ़ी सामान, जिसमें एंटिक मूर्तियां हैं और एसी है और कुछ और सामान है जिसको हम चेक कर रहे हैं, उसको बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। तो पूछताछ में कुछ सामने आया कि अभी मौके पे आए हैं और पूछताछ जारी है अभी। मतलब कितने का सामान है? सामान का आइडिया तो अभी नहीं दे सकते हैं, उसको कम्प्लीट रूप से एक बार पता लगा लें उसके बाद ही हम दे पाएंगे। हमने आके खोला ताला और वो बाहर वाला भी बंद है। भी बंद है ये ताला बंद है। हां, ये लोग हैं इनके बंद मिला है, इसका ताला लग गया, हट के ताला लग गया, चाबी हमारे पास ही है। हां, ये तो बिल्कुल लोग कर रहे हैं। ताला बंद है।